तो अभी आपने जिस वीडियो को देखा ना, ऐसा वीडियो काफी वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स पे। ऐसा ही वीडियो डाल के ना इस अकाउंट का आप हाल देखो, ठीक है। अच्छा खासा बूस्ट किया गया इस अकाउंट को, तो ऐसा वीडियो ना हम लोग AI के द्वारा बनाएंगे, ठीक है, वो भी एक क्लिक में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोटो जनरेट करना पड़ेगा। फोटो जनरेट करने के लिए दो तीन तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसी फोटो में एनिमेशन वगैरह डाल के ऐसा वीडियो हम लोग रेडी करेंगे, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को लाइक कर देना। तो फटाफट यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना होगा। सबसे पहले तुम्हारा भाई इधर इमेज को क्रिएट करना सिखाएगा आपको, ठीक है। तो दो तरीका बताऊंगा। फर्स्ट तरीका ना, आप इस वाले ऐप से जनरेट कर सकते हो जिसका नाम है पिंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा पिंटरेस्ट ऐप। सिंपली आपको इस वाले ऐप को इधर से ओपन कर लेना होगा। तो ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से इधर इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट बार ओपन करोगे तो लॉगिन वगैरह करने के लिए बोलेगा, आप लॉगिन कर लेना। यहाँ पे सर्च वाला आइकन पे क्लिक के सर्च करना होगा आपको। यहाँ पे 3D दुर्गा पूजा या दुर्गा माँ 3D इमेज, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको जो भी चीज लिख के यहाँ पे सर्च करना आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ माँ दुर्गा 3D इमेज, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे 3D इमेज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये वाला इमेज मेरे को चाहिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, या आपको जो भी इमेज चाहिए सिंपल आप उस पर टाइप करना, मतलब टाइप करना। तो यहाँ पे मैं इस वाले इमेज को यहाँ से डाउनलोड करना चाहता हूँ। नीचे भी यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, मेरा नेट का स्पीड थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ठीक है। तो नीचे भी आपको बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे, आप देख लेना। तो इस वाले इमेज को मान लीजिए यहाँ पे हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 3 डॉट पे आपको टिक करना होगा। सो करें डाउनलोड इमेज का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करती ये वाला इमेज इधर से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पहला तरीका। देन जो दूसरा तरीका है ना इमेज जनरेट करने के लिए ना, आपको इधर से गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। सर्च वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप बिंग इमेज क्रिएट करके सर्च करना। सर्च करती है ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको फर्स्ट वाले साइड पे क्लिक करके आपको इधर विजिट हो जाना होगा, ठीक है। सो जैसे ही आप इधर विजिट हो गए ना, अब यहाँ पे आपको लॉग इन वगैरह करने के लिए बोलेगा, तो आप लॉग इन कर लेना, ठीक है। मेरा ऑलरेडी लॉग इन था, यहाँ पे लॉग इन करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एक प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा, जो कि मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब जाकर उधर से कॉपी कर लेना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस वाले प्रॉम्प्ट को आप इधर से डाल लेना, क्रिएट वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे ना 4 इमेजेस आपको यहाँ पे बना के दे देगा, ठीक है। चारों में से आपको जो भी इमेज को डाउनलोड करना आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मान लो तीसरा या चौथा किसी को भी हम डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जिस भी इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पे शो कर जाएगा डाउनलोड का आइकन, इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो इधर से इमेज। तो अगर ये चारों इमेज आपको अच्छा ना लगा तो दोबारा आप क्रिएट पे टिक करोगे ना, तो ये दोबारा आपको 4 इमेज बना के देगा, ठीक है। तो ये रहा दो तरीका इमेज जनरेट करने का। सो इसी इमेज को अब हम लोग ना वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से आपको यहाँ पे आके सर्च करना होगा immercity.ai, ठीक है। देन immercity.ai लिख के आप सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली आपको फर्स्ट वाले साइट पे इधर विजिट हो जाना होगा। तो विजिट होने के बाद कुछ इस प्रकार से इधर इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा, तो आप लॉग इन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सुगर ट्राई नाउ का आपका इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो साइनिंग इन विथ गूगल पे आपको क्लिक करना होगा। किसी एक ईमेल आईडी द्वारा आप इधर से साइन अप कर लेना है यहाँ पे, ओके। जैसे ही साइन अप करोगे कुछ इस प्रकार से इधर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपलोड करने का आइकन खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आप डेस्कटॉप साइड मोड में भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ना 3 डॉट शो कर, इस पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप साइड मोड में। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही डेस्कटॉप साइड मोड में आप करोगे तो ऐसा ही इधर दिख रहेगा, ठीक है। तो अपलोड वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। सिंपली डाउनलोड किए हुए इमेज को आप इधर से अपलोड कर लेना, ठीक है। सो इमेज यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी ही देर में। सो इधर इमेज आ चुका है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे immercity का वाटरमार्क दिख रहा होगा आपको इमेज में। आप टेंशन ना लो, इसको एक्सपोर्ट करने के बाद वाटरमार्क हट जाएगा। अब यहाँ पे ना आपको कुछ एनिमेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी एनिमेशन पे क्लिक करोगे ना तो फोटो यहाँ पे मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जूम पे क्लिक करोगे तो जूम आउट होना यहाँ पे फोटो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जितना है ना 10, यहाँ पे 100 एनिमेशन है, ठीक है। तो 10 में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते। जैसे तुम्हारा भाई यहाँ पे जूम वाले को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सो इतना ही आपको काम यहाँ पे कर लेना होगा, ठीक है। सो इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे शो कर जाएगा एक्सपोर्ट का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ना आप MP3 3D मोशन सिलेक्ट करना। यहाँ पे नीचे शो कर जाएगा नेक्स्ट का आइकन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे 30 FPS आप सिलेक्ट करके फिर से आपको इधर से नेक्स्ट कर लेना होगा, एक्सपोर्ट कर लेना होगा। नीचे शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला वीडियो एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ी देर में यहाँ पे डाउनलोड का आइकन शो कर जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे शो कर जाएगा डाउनलोड का आइकन। तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करती गई सर यहाँ पे ना ये वाला वीडियो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे प्ले करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि डाउनलोड होने के बाद वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। सो गाइस सर यहाँ पे आप चेक करो, वाटरमार्क वगैरह कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हो गाइस सर कितना खतरनाक लग रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप इस टाइप का वीडियो बना सकते हो। और यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।